इस वीडियो को देखिए एक बार। चीन के पूर्व राष्ट्रपति ह्यू जिनताओ को राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने इस बैठक से जबरन बाहर निकाल दिया गया, और वीडियो फुटेज में ऐसा लग रहा है कि वो बाहर जाना नहीं चाहते थे। चाइनीज स्टेट मीडिया ने कहा कि ह्यू जिनताओ को बाहर भेजना पड़ा क्योंकि वो बीमार थे, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग ने जानबूझकर किया क्योंकि वो दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते थे कि चाइना में किसके पास पावर है। अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है जिसको कहा जाता है पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, और 2017 और 2022 के बीच इस कमेटी का चेहरा ही बदल गया है। और इस कमेटी में अब वही लोग हैं जो शी जिनपिंग को सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा डिसीजन लिया शी जिनपिंग ने जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स हटा दी, जिसका मतलब है कि वो चाइना के प्रेसिडेंट हो सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी भर। कई लोग मानते हैं कि शी जिनपिंग चाइना के पुराने रूलर माओ जेडोंग की तरह हैं, जो फुल कंट्रोल चाहते हैं पूरे देश पर। अब चाहे इन दोनों में सिमिलैरिटी जरूर है, पर शी जिनपिंग का तरीका बहुत अलग है। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शी जिनपिंग इतने पावरफुल कैसे हुए चाइना में, और उससे ज्यादा जरूरी है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया पर। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपने अमेरिकन ड्रीम के बारे में सुना होगा। You got a dream, you got to protect it. जहाँ लोग ये मानते कि अमेरिका में आप मेहनत के बलबूते कुछ भी हासिल कर सकते हो। पर क्या आपने चाइनीज ड्रीम के बारे में सुना है? ये चीज मेंशन करी थी शी जिनपिंग ने 2012 में, जब वो चाइनीज प्रेसिडेंट बने ही थे। We will achieve the goal of building a great modern socialist country over respect and fulfill the Chinese dream. अब जहाँ अमेरिकन ड्रीम का फोकस होता है आपकी इच्छाओं पर, चाइनीज ड्रीम का फोकस है चाइना के देश पर। शी जिनपिंग चाहते हैं कि चाइना उतना ही पावरफुल हो जाए पूरी दुनिया में जैसे वो था एक जमाने में। 18th सेंचुरी तक इंपीरियल चाइना दुनिया का लीडर था कल्चर, साइंस या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में। इनफैक्ट 1820 में जब चिंग डायनेस्टी चाइना को रूल कर रही थी तो दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा चाइना का था। पर 1839 में अंग्रेज और चाइना के बीच एक वॉर हुई। इस वॉर का नाम था फर्स्ट ओपियम वॉर, और ये वॉर स्टार्ट हुई थी क्योंकि चाइना ने बैन कर दिया था अंग्रेजों को ओपियम ट्रेड करना अपने पोर्ट से। 3 साल बाद चाइना ये जंग हार गया, जिसके बाद चाइना को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और इस ट्रीटी में एक डिमांड थी कि चाइना को हांगकांग अंग्रेजों को देना होगा। इस चीज के बाद अगले करीब 110 सालों तक चाइना को कई और हारें झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से चाइनीज हिस्टोरियंस इस पीरियड को बुलाते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमिलिएशन। और ऐसा नहीं कि चाइना इस 110 साल के पीरियड को भूल गया है, चाहे हिस्ट्री बुक्स की बात करें, टीवी सीरीज या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सभी चाइनीज लोगों को लगातार बताते रहते हैं इन्हीं हारों के बारे में। आज भी कई चाइनीज उस पीरियड को लेकर गुस्से में है। और इसी वजह से वो ये मानते हैं कि ये दौर चाइना का है जहाँ चाइना एक ग्लोबल पावर बनेगी, और ऐसा ही मानते हैं शी जिनपिंग। इसी वजह से शी जिनपिंग के लिए आसान है अपना चाइनीज ड्रीम चाइना के लोगों को बेचना। और ये चीज अचीव करने के लिए शी जिनपिंग के 3 गोल्स हैं। पहला गोल है कि चाइना दुनिया में कल्चर को डोमिनेट करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है दुनिया के कल्चर में, चाहे मूवीज हो, टीवी शोज हो, म्यूजिक हो या फिर वीडियो गेम्स हो। अब जाने या फिर ना जाने, पर हमारी जिंदगी अमेरिकन कल्चर से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है, क्या हम खाते हैं से लेकर क्या हम पहनते हैं। और शी जिनपिंग इसी चीज को चेंज करना चाहते हैं। पिछले 10 सालों के दौरान चाइनीज सरकार ने एक इंटरनेशनल मीडिया नेटवर्क डेवलप किया है और कई कल्चरल स्टडी सेंटर्स एस्टैब्लिश करे हैं। जैसे चाइना की प्राइमरी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के 200 से करीब फॉरेन ब्यूरोज हैं। कई पॉपुलर चाइनीज अखबार अब इंग्लिश में भी छापे जाते हैं। इसके अलावा कई चाइनीज यूनिवर्सिटीज अब दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं और कई फॉरेन स्टूडेंट्स उधर पढ़ने जाते हैं। फिर दूसरा गोल है शी जिनपिंग का एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग चाइना बनाने का। चाइना दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है, जिसमें से सबसे डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है हान चाइनीज, जिनकी पॉपुलेशन 90% से भी ज्यादा है। और शी जिनपिंग एक ऐसा चाइनीज देश चाहते हैं जहाँ लोग यूनाइटेड हो, जिसका मतलब है कि वो लोगों के बीच ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने कई सख्त कदम उठाए हैं। जैसे शिनजियांग की मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको वीगर्स भी कहा जाता है, उनकी पूरी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश करी जा रही है।
मस्जिद तोड़ गए हैं और लाखों उइगर्स को डिटेंशन कैंप से बंद किया गया है जहां उनको री एजुकेट किया जाए उनके कल्चर और रिलीजन के बारे में। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ताइवान का। अक्टूबर में अपनी स्पीच में शी जिनपिंग ने कहा कि वो ताइवान को चाइना के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। पर अगर किसी भी फॉरेन पावर ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उसका जवाब वो मिलिट्री एक्शन से देंगे। और इसी वजह से शी जिनपिंग चाहते हैं कि चाइना पूरी दुनिया में सबसे मॉडर्न मिलिट्री बन जाए। दुनिया की अब लार्जेस्ट नेवी यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है बल्कि चाइना है। जैसे फुजियान वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वॉरशिप है जो चाइना ने बनाई है। इसके अलावा चाइना की न्यूक्लियर वेपन्स भी 4 गुना बढ़ गए हैं। पर यूएस और चाइना जैसे देशों के लिए सबसे चिंता करने की बात है कि चाइना मिलिट्री रोबोटिक्स और मिसाइल सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने लग गया है। और तीसरा गोल है उनका एक ब्यूटीफुल चाइना बनाने का। पिछले सालों के दौरान चाइना में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का खतरा बहुत है। On to China now, which has issued its first national drought alert. और इस चीज को शी जिनपिंग चेंज करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने वादा दिया है कि 2060 तक चाइना कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब है कि चाइना ग्लोबल वार्मिंग में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा। इसी वजह से चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चाइना में बेची जाती हैं। पर इन सारी चीजों को करने के लिए शी जिनपिंग को पावर चाहिए थी और उन्होंने ये पावर मांग के नहीं ली बल्कि छीन के ली। शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने 2012 में और एक एडवांटेज उनके पास थी कि उनके दौर से पहले चाइना की ग्रोथ रेट बहुत हाई थी। करीब 30 सालों के लिए चाइना लगातार 10% से ग्रो कर रहा था। तो फिर ऐसा क्या किया चाइना ने जिसकी वजह से उनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो गई? आप ये जान सकते हैं इस ऑडियो बुक से हाउ चाइना गॉट रिच, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। इस ऑडियो बुक में ये भी बताया जाता है कि कैसे चाइना ने दूसरे देशों से मदद ली जैसे सिंगापुर, जापान या फिर यूएस। और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, सिर्फ 1.5 घंटे में आपको बहुत नॉलेज मिल सकती है चाइना की इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा कुकू एफएम में आपको कई और ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और ये ऑडियो बुक्स भी बहुत डिफरेंट टॉपिक्स की हैं, जैसे सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, करियर, बायोग्राफीज या फिर एंटरटेनमेंट। कुकू एफएम का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, यानी कि करीब 1 रुपए पर डे, जो एक फिजिकल किताब की कॉस्ट से भी कम है। और आपको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मोहक 50 का कूपन कोड यूज करोगे तो, जो पहले 250 यूजर्स के लिए है। तो आपको चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला तरीका है जो कई पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर नरेंद्र मोदी, वो है अपनी एक पर्सनालिटी कल्ट बना के। जैसे ये एक बुक है चाइना में प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे शी जिनपिंग एक लाल कलर का स्कार्फ पहना रहे हैं एक बच्चे को। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि कैसे वो बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज बस फोटोज में नहीं है बल्कि फोटोज के नीचे टेक्स्ट में भी है। जैसे इधर लिखा है कि कैसे ग्रैंडपा शी जिनपिंग अपने काम में बिजी है और चाहे वो कितने बिजी हो वो हमारे भविष्य के लिए चिंता करते हैं। और इस चीज से वो अपनी एक इमेज डेवलप कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में कि वो एक अच्छे लीडर है जो लोगों की देखभाल करना चाहते हैं। और ये बस बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी ऐसी ही चीजें बताई जाती हैं। शी जिनपिंग के ऊपर एक कार्टून भी बनी है जहाँ लोगों को बताया जाता है कि एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं। चाइना के कई पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को शी जिनपिंग के बारे में एक स्पेशल ऐप पे पढ़ना भी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इमेज बनाई जा रही है शी जिनपिंग के बारे में। जैसे कई चाइनीज न्यूज़पेपर्स उनको रेगुलरली बिग अंकल शी बुलाते हैं। एक स्टडी ने दिखाया कि कैसे शी जिनपिंग का नाम न्यूज़पेपर में कई बार छपता है जो चाइना के पुराने प्रेसिडेंट्स के साथ नहीं होता था। ऐसी इमेज की वजह से शी जिनपिंग ऐसे कई डिसीजंस ले पाते हैं जो उनका पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाता है, पर लोग कंप्लेन नहीं करते क्योंकि लोग ये मानते हैं कि शी जिनपिंग तो हमारे भले के लिए कर रहे हैं ऐसा। होपफुली जिस तरीके से हम ये वीडियोस बना रहे हैं आपके भले के लिए, तो हमारी ग्रोथ को हेल्प करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस इमेज की वजह से शी जिनपिंग कैसे पॉलिटिकल कंट्रोल ले पाते हैं। ये है सुन लीजुन, जो एक टाइम पर बहुत पावरफुल होते थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, पर इस साल उन पर इल्जाम लगाए गए कि वो पार्टी की यूनिटी को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक लाइफ सेंटेंस दिया गया। सुन लीजुन अकेले नहीं है, इस साल करीब 1000
1000 से ज्यादा ऑफिशियल्स को करप्शन या फिर दूसरे क्राइम के जरिए अरेस्ट किया गया है। अब कम्युनिस्ट पार्टी में करप्शन कोई नई बात नहीं है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शी जिनपिंग इस करप्शन को यूज कर रहे हैं अपनी पावर और बढ़ाने के लिए, जिससे वो अपने दुश्मनों को जेल भेज सके। इसके बेसिकली दो फायदे हैं कि लोगों के दिमागों में उनकी इमेज और बेहतर हो जाती है कि देखो शी जिनपिंग तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरा फायदा है कि दुश्मनों को हटाकर उनकी पावर और बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने दुश्मनों को हटाकर शी जिनपिंग उन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जो कई सालों से उनके साथ ही रहे हैं, और शी जिनपिंग बस कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल नहीं करना चाहते बल्कि चाइना में पूरी जनता को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। और वो ये कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क क्रिएट करके, जैसे एक चाइनीज शहर में हर 1000 लोगों के लिए 370 कैमराज है, जबकि दिल्ली में 1000 लोगों के लिए बस 26 कैमराज है। और इन सीसीटीवी कैमराज के अलावा अब हर ऐप जो यूज करते हैं अपने फोन पर, उससे चाइनीज सरकार डिसाइड करती है कि समाज में आपके साथ होना क्या चाहिए। जैसे हर सिटीजन को एक सोशल क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, अगर आप कम्युनिटी सर्विस करते हैं या फिर लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपका स्कोर बढ़ता है, जबकि अगर आप फ्रॉड करते हैं, टैक्स नहीं भरते या फिर उन एरियाज में स्मोकिंग करते हैं जहां अलाउड नहीं होता तो आपका स्कोर कम होता है। और अगर आपका स्कोर कम हो गया चाइनीज सोसाइटी में तो प्लेन टिकट्स खरीदने में आपको दिक्कत आ सकती है, घर खरीदने में, और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए भी। चाइनीज सरकार के पास एक लिस्ट है डिसऑनेस्ट लोगों की, जिसमें जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट शामिल है, और चाइनीज सरकार ऐसे लोगों को अरेस्ट कर सकती है। चाइनीज सरकार का अल्टीमेट गोल है कि उनके पास हर सिटीजन का इतना डेटा हो कि वो सिटीजंस जो अच्छी तरह बिहेव कर रहे हैं उनको प्रमोशंस मिले और अच्छी नौकरी मिले, वही वो सिटीजंस जो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे उनको जेल भेज दिया जाए, जिससे पूरी चाइनीज सोसाइटी एक परफेक्ट सोसाइटी हो जाए। तो आपके मन में सवाल होगा कि शी जिनपिंग के प्लान की वजह से इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। जैसे हमने बात कर की शी जिनपिंग फॉरेन पॉलिसी में अग्रेसिव है और अपनी मिलिट्री को भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके हमने इंडिया की तरफ उदाहरण देख लिए हैं, जैसे डोकलाम में 2017 में और गलवान वैली में 2020 में। अब ये जरूर है कि टेंशन थोड़ी ठंडी हो गई है इन इंसिडेंट्स के बाद, पर बॉर्डर में टेंशन बढ़ जाना कभी भी इतना नामुमकिन नहीं है, स्पेशली क्योंकि दोनों आर्मीज के बीच में फासला इतना बड़ा नहीं है। पर क्या इसका मतलब है कि दोनों देशों में वॉर हो सकती है? इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर देश हैं और ये क्लियर नहीं है कि वॉर से किसी भी देश को ज्यादा फायदा होगा। पर अगर चाइना की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कुछ चेंज आता है, जैसे मान लो चाइनीज इकोनॉमी की हालत थोड़ी गंभीर हो जाती है, तो इसकी संभावना है कि शी जिनपिंग नेशनलिज्म को यूज करें अपनी पॉपुलैरिटी चाइना में बढ़ाने के लिए। इसके अलावा चाइना ने कई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करी है श्रीलंका और पाकिस्तान में, जिससे इंडिया चिंतित है, स्पेशली क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में। तो क्या शी जिनपिंग के अंडर इंडिया चाइना टेंशन बढ़ सकती हैं? हाँ, जरूर बढ़ सकती हैं। पर मोस्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शी जिनपिंग का इस चीज से इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, पर ये जरूर है कि इंडिया चाइना के बीच में इकोनॉमिक टेंशन बढ़ सकती हैं। इसकी वजह से इंडियन सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो, ताकि उनको डिपेंड ना होना पड़े चाइना पर। जैसे रिसेंटली इंडियन सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि अगर कल इंडिया चाइना टेंशन बढ़ती हैं तो कम से कम इंडियन इकोनॉमी पर इतना असर ना पड़े। अगर इधर तक आ गया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और अगर आप इंडिया चाइना की सेमीकंडक्टर वॉर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखिए, जहां हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी है। तो चेकआउट कोको FM ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा कूपन कोड MOHAK50 यूज कीजिए।